उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर जो सजा है वो उम्र कैद की होने जा रही है, इसे लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो अनियंत्रित भीड़ जो है, जो देश के अंदर अनियंत्रित हो रही है, उसके ऊपर कानून सख्त होना चाहिए। उसके ऊपर तो आप बात नहीं करते हो कि लोगों को सड़क पर चलते हुए कोई मार देता है और भीड़ तंत्र को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए था, आप लव जिहाद के लिए, लव जिहाद दो व्यक्तियों का आपस का मसला है, दो लोगों में, क्या मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी नहीं की, क्या हिंदू लड़कियों ने मुस्लिमों से शादी नहीं की, तो ये आपके जो अलग अलग कानून सबके लिए बन रहे हैं, ये मैं समझता हूं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं या फिर लव जिहाद वाकई में करते हैं कि दूसरे धर्म में शादी की, फिर बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लड़कियों के मर्डर हुए, इसको लेकर के कहा जा रहा है। देखिए, फिर वही बात हो गई ना कि मर्डर जो इसने भी लड़की के साथ जुल्म किया उसको धर्म देखकर क्यों सजा दी जाए? उसको धर्म देखकर सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए सजा क्या प्रावधान हमारी कानून के अंदर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जिहाद कहाँ से आ गया? जिहाद के आप लगा दिया, जिहाद का क्या मतलब है? आप कहाँ से नए नए लफ्ज निकाल कर ले आते हो कि आपने जिहादी बना दिया?